दिन तुम्हें कोई और कहेगा जान, जिस दिन तुम्हें कोई और कहेगा जान, उस दिन मेरी तो निकल ही जाएगी जान। ठीक है, और एक ऐसी शेर सुनाता हूँ कि कहने से भी डरता हूँ सामने, कहने से भी डरता हूँ चुप रहने से भी डरता हूँ, कहने से भी डरता हूँ चुप रहने से भी डरता हूँ, दिल में तो है लेकिन सामने लाने से भी डरता हूँ, ये कमबख्त इश्क की प्यास ही ऐसी है कि पीने से भी डरता हूँ और प्यासा रहने से भी डरता हूँ। ऐसे कम लिखता हूँ, जनरली मैं राइमिंग बनाता हूँ थोड़ा फनी, कुछ तो कोशिश करता हूँ। उसी पे चार लाइनें हैं कि बड़ा खुश नसीब है वो सिंगल जिसका क्रश भी अभी तक सिंगल, बड़ा खुश नसीब है वो सिंगल जिसका क्रश भी अभी तक सिंगल, फिर पड़ता नहीं फर्क कि गाल में है डिम्पल या है पिंपल, इतना ही काफ़ी है कि वो क्रश भी अभी तक सिंगल है। तो जो मेरा मेन पीस है एक तरफा प्यार का स्ट्रगल, वो सुनाता हूँ और कोशिश करेगा रिलेट करने की। एक दो जगह सुनाई है, मेरा पहला टाइम नहीं है, 5, 6, 8, 10 कुछ कर चुका हूँ मैं, तो पहले टाइम नहीं है तो सुनाइए, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसलिए दोबारा सुना रहा हूँ। बोला जितेंद्र भाई ने 2-4 मतलब कुछ बार, ये मेरे सीनियर है, हम थिएटर करते थे, मैं जहाँ करता हूँ वहाँ से पहले करके जा चुके हैं, ये मेरे सीनियर है तो इनकी बदौलत जो भी है। तो पोएम सुनाता हूँ कि तुम मानो या ना मानो इस एक तरफा प्यार का स्ट्रगल तुम क्या जानो, तुम मानो या ना मानो इस एक तरफा प्यार का स्ट्रगल तुम क्या जानो, यूँ तो तुमसे पहले से ही थी जान पहचान, बस समस्या थी कैसे वो नंबर का आदान प्रदान, फिर कहीं से तुम्हारा नंबर चुराया था पर बात शुरू कैसे वो समझ नहीं आया था, फिर भेज के हैप्पी दिवाली किया था पहला ट्राई पर आया नहीं तुम्हारा कोई रिप्लाई, क्या जाता जो तुम भेज देती सेम टू यू, हम उसी को समझ लेते आई लव यू, क्या जाता जो तुम भेज देती सेम टू यू, हम उसी को समझ लेते आई लव यू, पर रिप्लाई ना आने पर मुझे लगा था थोड़ा सा शौक, पर खुश था चलो किया तो नहीं ब्लॉक, फिर किसी एक दिन तुमने नंबर सेव किया और दिखी तुम्हारी डीपी, और देखते डीपी बढ़ गया मेरा बीपी, खुशी में लाल हो गया चेहरे का रंग, लगा बस अब तो जीत ही ली आधी जंग, दिल में बजने लगा था पियानो, अरे दिल में बजने लगा था पियानो, चलो छोड़ो इस एक तरफा प्यार का स्ट्रगल तुम क्या जानो। तेरे इश्क में पिया घाट घाट का पानी है, अगली लाइन थोड़ी है, करी होगी जिसने तो जरूर ताली बजाना। तेरे इश्क में पिया घाट घाट का पानी है, तू तो क्या तेरी बेस्ट फ्रेंड तक की आईडी हमने छानी है, तेरे इश्क में पिया घाट घाट का पानी है, तू तो क्या तेरी बेस्ट फ्रेंड तक की आईडी हमने छानी है, तेरी फोटो पे हर लड़के का लाइक देखा है फिर अपने गुस्से में होता हाइक देखा है, पढ़ के फोटो पे लड़कों के कमेंट दिल में उठता था अजीब सा करंट, और उन कमेंट को डीपली करके एनालाइज तेरे पोटेंशियल आशिकों की लिस्ट बनाई है सीरियल वाइज, पर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, शरीफ आशिक है इसलिए बस कलम से लिख सकते हैं, और लिखते लिखते कभी थक गए तो पी लेते हैं कॉफ़ी कैपेचिनो, चलो छोड़ो इस एक तरफा प्यार का स्ट्रगल तुम क्या जानो। वो रात रात भर जगना तुम्हारी मेरी पुरानी चैट पढ़ना, वो दोस्तों में तेरा नाम लिए बिना जिक्र करना, वो तेरा जुकाम और मेरा फिक्र करना, तुझको पूरा हकदार माना है अपनी सैलरी में, आगे वाली लाइन भी जिसने करी होगी पक्का आगे वाली थोड़ी, तुझको पूरा हकदार माना है अपनी सैलरी में, तेरी हर डीपी को सेव किया है फोन की गैलरी में, तुझको पूरा हकदार माना है अपनी सैलरी में, तेरी हर डीपी को सेव किया है फोन की गैलरी में, अरे सुन मुझको सब याद है इसीलिए तो इश्क में बर्बाद है, अरे हमसे मिलो बार बार हमको जानो पहचानो, चलो छोड़ो इस एक तरफा प्यार का स्ट्रगल तुम क्या जानो। मंदिर मस्जिद में तुझे ऊपर वाले से मांगा है फिर कैसे मान लूँ इश्क मेरा कच्चा धागा है, माना कि ये बंदा किस्मत का थोड़ा सा भागा है, पर इश्क में तेरे दिल मिल्खा से भी तेज भागा है, सुन मेरे इश्क में ना सिग्नल ना कोई स्पीड ब्रेकर है, हाँ कर दे इश्क मेरा जियो का अनलिमिटेड ऑफर है, न जाने क्यों तू फिर भी करती है बार बार इनकार। जो अगली लाइन है मोदी भक्तों से माफ़ी मांग लेता पहले ही, लेकिन उस बस राइमिंग की वजह से है, न जाने क्यों फिर भी तू करती है बार बार इनकार, अच्छे दिन आएंगे मेरा इश्क थोड़े है मोदी जी की सरकार, अच्छे दिन आएंगे मेरा इश्क थोड़े है मोदी जी की सरकार, फिर भी तेरी नास उम्मीदों के सितारे खोए नहीं है, तेरा लास्ट सीन देखे बगैर कभी सोए नहीं है। और अब जो चार लाइनें आएंगी वो सबसे अच्छी है मेरे को ही नहीं, मैं जहाँ भी सुनाता वो कहते हैं कि बहुत अच्छे, तो चाहूँगा नहीं आप सुन के ज़रूर तालियां बजाएगा, और जिसने भी किया है वो पक्का, कि तेरे इश्क ने मुझको अजगर की तरह लपेटा है,
10 GB की फीलिंग्स को मैंने 2 KB के गुड मॉर्निंग में समेटा है। परेश ने मुझको अजगर की तरह लपेटा है, 10 GB की फीलिंग्स को मैंने 2 KB के गुड मॉर्निंग में समेटा है, और मेरे ख्वाबों में जो बच्चा तेरी गोद में लेटा है, सुन पगली, वो हमारा ही तो बेटा है। आना आना उस बच्चे को मिलके बनाते हैं मैसी या क्रिस्टियानो। चलो छोड़ो, इस एक तरफा प्यार का शगल तुम क्या जानो। अगला जो पैरा है, जनरली ऐसा होता है, रिलीजन कास्ट अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उसी पे लिखा है, माना बिनानी सीमेंट की बनी है मजहब की दीवार, माना बिनानी सीमेंट की बनी है मजहब की दीवार, अकेला तोड़ नहीं सकता इसको मेरा प्यार, तो आना कुछ कदम तू भी बढ़ा, जो मुझ पे चढ़ा है वो नशा खुद पे चढ़ा, एक बार तो तू भी कर पहल, हम भी बनवा देंगे ताजमहल, दे देंगे हर तिजोरी की चाबी, बन के तो देख मेरे दोस्तों की भाभी, दे देंगे हर तिजोरी की चाबी, बन के तो देख मेरे दोस्तों की भाभी, अरे खड़ी कर देंगे हमर से लेके नैनो, खड़ी कर देंगे हमर से लेके नैनो। चलो छोड़ो, इस एक तरफा प्यार का शगल तुम क्या जानो। अब फाइनल है, थोड़ा ट्विस्ट है, माना माना कि तू परियों की रानी है, माना कि तू परियों की रानी है, तेरी हंसी पे मचलती कई लौंडों की जवानी है, लेकिन सुन अगर तू गुलाब तो हम भी गुलकंद है, एक हसीना ने हमको भी कहा है कि आप हमें पसंद है। तू गुलाब तो हम भी गुलकंद है, एक हसीना ने हमको भी कहा है कि आप हमें पसंद है, लेकिन तेरे इश्क में रहते हम उसे कैसे हाँ कह सकते हैं, उसको कहा देखी मोहतरमा जस्ट फ्रेंड रहते हैं। हमने उनसे हाथ जोड़ के मांगी माफ़ी है, तुम करो ना करो, हम तो करते हैं इतना ही काफ़ी है। मैंने उनसे कहा देखिए मोहतरमा, आई एम सॉरी, मैं आपका सिर्फ दोस्त हूँ, एंड आई एम सॉरी किसी और के ब्रेकफास्ट का टोस्ट हूँ, लेकिन तू इन सब बातों से कहाँ पिघलती है, लेकिन तू इन सब बातों से कहाँ पिघलती है, आखिर तुझ में भी तो सख्त लौंडों वाली सकती है। हाँ तेरे इश्क में इस कदर हो गए हैं दीवाने, कि तेरी यादों को ही बना बैठे हैं मैखाने, तेरे इश्क में इस कदर हो गए हैं दीवाने, कि तेरी यादों को ही बना बैठे हैं मैखाने, कि अब तो दुनिया भी हम जैसों को देख के कहती है सुधर जाओ दीवानो। चलो छोड़ो, इस एक तरफा प्यार का शगल तुम क्या जानो, इस एक तरफा प्यार का शगल तुम क्या जानो। ये तो ख़त्म होगी, ठीक था, और एक और लिख रहा हूँ, उसकी पूरी लिखी नहीं, उसकी 2 लाइन है जो मुझे अच्छी लगी, सुनाना चाहूँगा अगली बार, कोशिश करूँगा पूरी। उसका टाइटल है क्रश की शादी। तो उसमें 2 लाइन है, जनरली ऐसा होता है तुम किसी को प्यार करते हो, कोई हेट नहीं है, बस ये है कि उसकी ना है हमारी हाँ है, वह इतना है। तो उस पर लिखा था कि इतना तो उसके इनकार की सच्चाई को जांचा है, इतना तो उसके इनकार की सच्चाई को जांचा है कि बंदा उसके बच्चों का मामा नहीं चाचा है। ऐसे ही लिखता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और एक याद आया था, एक फाइनल सुनाता हूँ फिर, ये थोड़ा ठीक सा है, और हाँ ऐसा नहीं है, राइमिंग वाला नहीं है, क्या था मैं भूल गया, अभी तो याद आया था, जो नहीं भाई मोबाइल में नहीं लिख, कुछ अभी याद है, क्या था, अभी तो आया था याद की, चलो याद आ जाएगा तुम सुना दूँगा कुछ और। हाँ चलो, ढीठ आशिक जो होते हैं, ढीठ आशिक मतलब कि ऐसा होता है प्यार में, तुम प्यार करते हो बस, अगला बंदा रिस्पांस दे रहा है नहीं दे रहा, चाहे उसका रिस्पांस इन्फिनिटी लेवल पे है या बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तब भी है तो हाँ, तो उस पर आता है कि बस इतनी सी खता के इश्क में, बस इतनी सी खता के इश्क में कि वो बोले भूल जाओ और हमने कोशिश भी नहीं की, बस थैंक यू।